गाइस फैसल भाई हमसे फिर से एक बार मिल चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आपसे दोबारा मिलके सच बता रहे हैं। अच्छा लगा भाई भाई वैसे रॉयल एनफील्ड पे तो भैया आ गए भैया हम तो समझिए मनोरी से तुरंत आ रहे हैं भाई, चला ना जाए अपना। चलो अच्छा लगा भाई। तो भाई सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आदित्य आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। सो गाइज एक्चुअली मुझे आज जाना था रॉयल एनफील्ड शोरूम, क्योंकि आपको पता ही है मेरी हिमालयन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आज हमें वही दिखाने जाना है। रॉयल एनफील्ड से हमारे पास कॉल आई थी कि जो एसेसरीज हमें लगवानी है वो भी आ चुकी है। सो गाइज अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ नहाने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ, फिर जाते हैं शोरूम पे, जो एसेसरीज हमें लगवानी है उसे लगवाते हैं और जो दिक्कत हो वो भी दिखवाते हैं। सो गाइज मैं नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं अब नहा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ दानिश के पास, क्योंकि मैंने दानिश के पास कॉल किया था तो दानिश को भी मैंने बोला चलने के लिए, तो भी नहा के रेडी है, घर के बाहर ही है। तो मैं जा रहा हूँ अभी दानिश को लाऊंगा शोरूम, उसके बाद दानिश को लेने के बाद पहले जाऊँगा मैं चाय पीने से गाइस। तो चाय क्योंकि हम जरूर पीते हैं, आपको पता ही है सुबह से एक भी बार गए नहीं थे छोटू के पास, जो जा रहे चाय पीएंगे फिर वहाँ से जाएंगे रॉयल एनफील्ड शोरूम। सो गाइस चलिए मैं आप लोग। सो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ चाय पीने के लिए, अब मैं चलता हूँ चाय पीने। दानिश तुम भी पियोगे? ये अब चाय नहीं पीते, चाय छोड़ दिया पता आप लोगों को। नहीं यार तो भाई चाय ही सही है, कटिंग ही सही है, तुम 5 रुपए की कॉफी मत पियो। तो भाई बताओ चाय छोड़ने के लिए बोले तो कॉफी पे आ गए लोग। तो भाई फिलहाल मैं शोरूम पे पहुंच चुका हूँ, भैया कोई आया? चलिए फिर देखते हैं कोई वर्कर आए हैं कि नहीं। बबलू भैया है? बबलू भैया। तो भाई फिलहाल हमको वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी साफ सफाई चल रही है। अभी बबलू भैया बोल रहे हैं कि कुछ देर बाद करेंगे, वेट कर रहे हैं गाइस, क्या बताएं काफ़ी लेट हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं क्लीनिंग हो गई है, बस हमारी बाइक वो खड़ी रही और अब हमारे बाइक का काम होने वाला है। ये बबलू भैया वो देख रहे हैं जो करना है। ये देखिए क्लासिक, ये भी क्लासिक, दोनों सेम है ना? हाँ सेम ही है। ये नहीं और ये स्टेप। सो गाइस अगर इसका हंटर का रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और गाइस मुझे यार इसके पैनियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक घंटा देखिए अगर वॉशिंग चल रहा है। सो गाइस चलिए गाड़ी का काम होते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई हमारे हिमालयन अब जा रही है, यहाँ पर लगेगी फिर उसको देखा जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं आपको दिखाते रहूँगा क्या प्रॉब्लम्स है हमारी बाइक में। क्या हुआ बबलू भैया, कितने कंफ्यूज हो गए? हमारी पब्लिक को हाय बोलिए, हाय बोलिए, हाय बोलिए, हाय भाई, हाय भाई। चलिए गाइस देखते हैं क्या दिक्कत है। तो गाइस अभी देखा जा रहा है हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत है। अच्छा बबलू भैया ये क्या है, इससे क्या पता चलता है? ये है क्या आखिर, इससे पता कैसे किया जाता है? क्या बताता है? वायरस बताता है। अच्छा गाड़ी में जो फॉल्ट रहेगा इससे पता चल जाएगा। रॉयल एनफील्ड, हाँ रॉयल एनफील्ड का ही है, तो अभी इसी से पता चल जाएगा गाड़ी में हमारे क्या फॉल्ट्स हैं। अभी बबलू भैया देख रहे हैं सीट उट निकल गई है पूरी गाड़ी की। सो गाइस फिलहाल अभी काम चल ही रहा है हमारा, वो स्पीडोमीटर खराब हुआ था उसके लिए वहाँ से देख रहे हैं बबलू भैया, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में। अच्छा इससे क्या होगा बबलू भैया जो खोल रहे हैं बताइए, इधर देखते हैं। वहाँ पे ये यहाँ पे सेंसर लगाए हैं, जो स्पीडोमीटर हमारा खराब था यहाँ पे सेंसर लगा के गाइस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा।
कैमरा बंद हुआ। सो गाइस आप लोग हिमालयन की आवाज़ सुन पा रहे होंगे कैसी है। दानिश थोड़ा सा एक्सेलरेट लो, थोड़ा सा लेना, कोई नहीं लो सर, रहने दो। अब रुक जाएगा गाड़ी बन जाए कंप्लीट, फिर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ उसकी आवाज़। तो ये देखिए यहाँ पर कोई और मशीन लाए हैं, उससे लगा के देख रहा है। अच्छा इससे पता चलता है कोई फ्यूज खराब है या नहीं। हाँ। फ्यूज सारा सही है। नहीं बबलू यार फ्यूज सारा सही है। हाँ, फ्यूज सही है। फ्यूज तो हमारा सारा सही है। तो गाइस पता नहीं क्या नीचे लगा है, लगता है टायर खोलना पड़ेगा। तो देखिए अभी कितना टाइम लगता है। तो गाइस दानिश के घर से कॉल आया था और वो घर चला गया। अब हमारी गाड़ी का काम अभी हो रहा है, अभी टाइम लगेगा बबलू भैया ने बोला है जैसा, इसीलिए मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ। तो गाड़ी जब बन जाती है हमारी फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, फिर बताता हूँ और कितना पैसा लगा। वैसे पैसा लगना नहीं है क्योंकि गाड़ी हमारी वारंटी में है इस समय। क्या खराब था बबलू भैया? ये भी स्टार, बस उसके और कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, वो फॉरवर्ड किया बाकी और को, वो जो इंजन लाइट चल रही थी वो भी सही हो गई। वो भी सही हो रहा, फॉरवर्ड चलने बाद वो भी सही हो रहा। सो गाइस इसमें एबीएस वायर केवल एबीएस वायर खराब था तो वो मैंने चेंज करा लिया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। गाइस फैसल भाई हमसे फिर से एक बार मिल चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा भाई आपसे दोबारा मिलके, सच बता रहे हैं अच्छा लगा भाई। भाई भाई मैं तो रॉयल एनफील्ड पे, तो भैया आ गए भैया, हम तो समझिए मनौरी से तुरंत आ रहे हैं भाई, चला ना जाए अपना। चलो अच्छा लगा भाई। तो फिलहाल मेरी गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी का काम कंप्लीट होने के बाद मैं घर चला गया था क्योंकि घर से कॉल आया था, मुझे मम्मी को लेकर जाना था कचहरी। तो मैं कचहरी मम्मी को लेकर गया, फिर वहाँ से आया, फिर मैं आया है छोटों के पास चाय पीने। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूँ कितना मेरा कॉस्ट लगा पूरा मतलब बनवाने में। तो गाइस हमारा जो चेंज हुआ केवल एबीएस वायर चेंज हुआ है जिसका कॉस्ट है 530, बाकी मेरी गाड़ी अभी चार सर्विस तक फ्री रहती है तो अभी दो ही कंप्लीट हो, इसलिए लेबर चार्ज कोई नहीं लगा है। और हाँ गाइस जो हमें एसेसरीज लेना था वो हमने देखा हमको समझ में नहीं है, इसलिए हम एसेसरीज बाहर से लगवाएंगे। रुके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिल। यही बिल है हमारा जो कि आप देख पा रहे होंगे, टोटल अमाउंट 530 का बना। सो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ जो इस चैनल पे नए हों जरूर इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। तो फिर गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।